फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे टाटा मोटर्स के अंदर आप देखेंगे आज 314.45 की क्लोजिंग देखने को मिली है। 18 रुपये तक देखिए आपको स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिला है। 5.40% देखिए यहाँ पे स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली है। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे टाटा मोटर्स के ऊपर, क्या यहाँ से टाटा मोटर्स के अंदर आपको तेज़ी करनी चाहिए, क्या यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए और क्या यहाँ से टाटा मोटर्स के अंदर फिर से कोई तेज़ी बन सकती है। तो दोस्तों, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए आपको लेटेस्ट स्टॉक रिकमेंडेशंस और पिक्स मिलती है, तो आप जाके चेकआउट जरूर करिएगा, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब दोस्तों, यहाँ पे टाटा मोटर्स में आप देखेंगे तो आपको देखिए लगातार एक बढ़िया तेज़ी के बाद आज जो रिजल्ट का देखिए इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला। स्टॉक के अंदर हैवी सेलिंग प्रेशर, बहुत हावी मुनाफा वसूली देखिए यहाँ पे आपको आज रहती हुई देखने को मिली। 314 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, देखिए यहाँ पे रिजल्ट का कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ना ज़रूरी था और वही देखिए आपको पड़ता हुआ देखने को मिला। और डेफिनेटली सबको पता था, चांसेस हायर थे कि देखिए जो नतीजे ख़राब आए उसके कारण स्टॉक गिरेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेजेस बुलिश देखने को मिली है और इसके कारण देखिए स्टॉक आज कोशिश किया उठने की, 322 तक गया लेकिन वापस से देखिए गिरावट देखने को मिली और पूरे दिन आज रेंज में कंसोलिडेशन किया। वो जो रेंज थी दोस्तों की 312 से लगाकर 315 और 316 मोस्ट प्रोबेबली देखिए यहाँ तक जाता था स्टॉक, 318 एक दो बार गया बीच में, लेकिन उसके बाद देखिए जो रेंज में आज कंसोलिडेट किया वो ये एक रेंज बनती हुई आपको देखने को मिली है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक में जो गिरावट देखने को मिली है उसमें 310 का सपोर्ट नहीं टूटा है। अब देखिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव निकालने चाहिए और जैसे आपको मैंने कहा कि ब्रोकरेजेस पॉजिटिव दिख रही है टाटा मोटर्स के ऊपर, पहले देखिए आपको ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट निकल के आई है टाटा मोटर्स पर, पहले आपको देखिए वो दिखा देता हूँ। तो देखिए ब्रोकरेजेस ऑन टाटा मोटर्स, तो देखिए यहाँ पर CLSA ने टाटा मोटर्स पर राय दी है कि खरीदारी करके चल सकते हैं, बाय की रेटिंग बरकरार करी है और लक्ष्य को यहाँ पे दोस्तों 450 रुपये पर उन्होंने तय कर दिया है। अगर हम सिटी की देखें तो सिटी की माने तो सिटी ने कहा है कि देखिए यहाँ पर अभी भी खरीदारी की हम रेटिंग देंगे और 2395 का देखिए यहाँ पर आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर हम UBS का देखें तो UBS यहाँ पे 360 के टारगेट्स के साथ न्यूट्रल रहने की देखिए यहाँ पे सलाह दे रहा है। नोमुरा की माने तो देखिए यहाँ पे आपको जो उन्होंने टारगेट रिड्यूस करके दिया है, रिड्यूस रेटिंग दी है और उन्होंने कहा है कि 313 रुपये के लक्ष्य यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। गोल्डमैन सैच देखिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं और उन्होंने बिकवाली की सलाह दी है और यहाँ पे कहा है कि 254 रुपये के देखिए यहाँ पे लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। अगर हम कोटक की देखें तो कोटक का माने तो उन्होंने कहा है कि देखिए JLR बिजनेस प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा, मैनेजमेंट JLR और भारतीय कारोबार को लेकर सतर्क कॉमेंट्री कर रही है और हालांकि JLR और भारतीय कारोबार की कैश फ्लो से सरप्राइज हुए हैं, वही FY20 की दूसरी छमाही में बेहतर वॉल्यूम और कैश फ्लो संभव है। तो कह सकते हैं कि कोटक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। उन्होंने उनका कहना है कि आपको FY22 में इनके जो वॉल्यूम्स हैं वो कैश फ्लो में काफ़ी बढ़िया आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो कह सकते हैं कि ब्रोकरेजेस ऑन एंड ऑल काफ़ी पॉजिटिव है, एक्सेप्ट आप देखिए यहाँ पे गोल्डमैन सैच के, उन्होंने देखिए सिर्फ 254 का टारगेट दिया है। नोमुरा भी देखिए यहाँ पे न्यूट्रल रहने की सलाह दे रहे हैं। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे ब्रोकरेजेस का काफ़ी विश्वास है, काफ़ी ख़राब नतीजे देखिए जो आप कह सकते हैं, मतलब बाज़ार के इनलाइन नतीजे नहीं आए, उसके बावजूद आप देखिए यहाँ पे आपको स्टॉक के अंदर बाय की रेटिंग दे रहे हैं। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। अब देखिए क्यों खरीदारी करना है, चलिए आपको अब ये बताता हूँ। अब देखिए स्टॉक के अंदर पहले भी आपको ऐसा एक्शन देखने को मिल चुका है कि यहाँ पे 310-312 के आसपास आके स्टॉक कंसोलिडेट करता है और अब देखिए जो नतीजे निकल के आए उसका जो इम्पैक्ट पड़ना था वो आपको आज पड़ता हुआ देखने को मिल चुका है, ये आप समझ लीजिए। और यहाँ से देखिए स्टॉक के अंदर अभी भी एक्शन बनता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कैश फ्लो के इस बार नंबर्स निकल के आए हैं वो सबको देखिए इसमें आपको चौंकाया है, बिकॉज वो कैश फ्लो जो नेगेटिव चल रहे थे वो बहुत पॉजिटिव हो गए और उनमें एक बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिली। तो कंपनी का जो एक मार्जिन आप देखेंगे वो बेहतरीन आपको सुधरता हुआ देखने को मिला है। तो यहां पे आपको खरीदारी करके चलना है, स्टॉक जब तक 300 के ऊपर है तब तक आपको बिल्कुल भी डरने की यहां पे बात नहीं है। तो करना क्या होगा, देखिए यहां पे कल के लिए सबसे पहले देखिए टेक्निकल्स पे हम नजर डालेंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कोई भी स्टॉक में जानना होता है देखिए उसका बाइंग और सेलिंग प्रेशर। तो यहां पर आप देखेंगे स्टॉक के अंदर अभी सेलिंग प्रेशर फॉर्म है लेकिन देखिए यहां पर आपको न्यूट्रल रहने की सलाह दी जा रही है ऑसिलेटर्स की तरफ से, स्ट्रॉन्ग सेल मूविंग एवरेजेस कर रहे हैं। तो कल के लिए क्या होगा, अगर देखिए कल बाजार नीचे खुलता है तो डेफिनेटली देखिए और भी यहां पर थोड़ा सा दबाव हावी हो सकता है, लेकिन जैसा आपको मैं कह रहा हूं कि 300 के ऊपर ये कायम रहता है
देखिए यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, 300 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एंट्री के बढ़िया मौके हैं और स्टॉक में अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए दोस्तों यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी, करंट लेवल्स पे देखिए मेरी खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट रखने आपको कल के लिए यहाँ से जो 314 रुपये की क्लोजिंग है वहाँ से 320 रुपये तक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस को अगर आप यहाँ पे मेंटेन करते हैं तो 305 का कल मेंटेन करके चलिए, और यहाँ से देखिए थोड़ा बहुत होल्ड करेंगे बिकॉज देखिए यहाँ पे स्टॉक के अंदर आप डेफिनेटली कह सकते हैं नंबर्स खराब निकल के आए, लेकिन उम्मीद आपको यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी चाहिए स्टॉक से, बिकॉज आप देखेंगे जो वॉल्यूम ग्रोथ हुई है, जो लगातार आप देखिए ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, वो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे एक बढ़िया साइन है। तो कल के लिए मेरी खरीदारी की सलाह है 320 रुपये का लक्ष्य होगा, 305 का स्टॉप लॉस, और अगर यहाँ से आप थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़िया तेज़ी और भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग।